आज के फनकार। दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है। मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती। अपनी दी गई इस निशानी को पहचानिए दिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ। लो देखो देखो, जिस सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी। ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी। अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर और खरो की शायद तुम हमें माफ कर सको। जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर। जहां डाल डाल पर सोने की करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे। पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है सूरज रे। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे। सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा, ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी। आज कहेंगे दिल का फसा।
3 नवंबर 1906 को पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए। फिल्म सिकंदर, फिल्म दहेज, फिल्म आवारा, फिल्म जिंदगी, 1965 की फिल्म आसमान महल। '68 की एसएस वासन की फिल्म 3 बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म 3 बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर। आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है। क्या जुलेला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया। शहंशाह रोया नहीं करते ही हूं, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगा। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से
से खेले कुछ ना करे फरियाद। जिंदाबाद 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 है मोहब्बत जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया। नैया तेरी मंझधार होशियार होशियार, नैया तेरी मंझधार होशियार होशियार, सूझे आर न पार होशियार होशियार, सूझे आर न पार होशियार होशियार, नैया तेरी मंझधार होशियार होशियार। कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। टिक 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 बदले धरती अपनी साड़ी बदले तुम बदलो पगड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। रमता जोगी बहता पानी वक्त की राम कहानी है, रमता जोगी बहता पानी वक्त की राम कहानी है, एक सागर की लहरों जैसी दुनिया आनी जानी है, इसे चलाए उसे चलाए सारे जग को घड़ी चलाए पर खुद रहे खड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 टिक 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 दोस्तों। रुपहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर पर। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।